रानू मंडल को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि रानू मंडल ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरे दुनिया में रानू मंडल के ही चर्चे शुरू है। हाँ, मैं उसी रानू मंडल की बात कर रहा हूँ जिसे आप जानते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी वायरल वीडियोस हो रहे हैं उनके, कि आप देख सकते हैं कि हर वीडियो पे मिलियन मिलियन व्यूज है। मैं उसी रानू मंडल की बात कर रहा हूँ जो कि बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी है, और हिमेश रेशमिया के साथ उनको एक सॉन्ग गाने का मौका मिला है। मैं उसी रानू मंडल की बात कर रहा हूँ जो कोलकाता रेलवे स्टेशन पर भीख मांग कर अपना गुजारा कर लेती थी। वही रानू मंडल अब बॉलीवुड की मशहूर सिंगर बन गई है और बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। चलिए पूरी बात बताते हैं आपको। हितेंद्र चक्रवर्ती ने ये वीडियो क्यों बनाया था? उनके दिल में ऐसी क्या बात थी? और हितेंद्र चक्रवर्ती ये सोचकर वीडियो उनके फेसबुक पेज पर अपलोड करने के बाद भी और दूसरे पेज पर क्यों दिए थे? चलिए आपको पूरी बात बताता हूँ। हितेंद्र चक्रवर्ती ने बताया कि मैंने एक वीडियो देखा था जो कि इस तरीके का था, और वो वीडियो देखने पर मुझे मालूम हुआ सोशल मीडिया का पावर और सोशल मीडिया किस तरीके से किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। वो इस वीडियो में मैंने देखा था। हितेंद्र चक्रवर्ती ने पूरी कहानी हमको सुनाई। ये कहानी है मोबाइल फोन के खूबसूरत इस्तेमाल की, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वो शख्स सैल्यूट का हकदार है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं जिनको हर कोई सलाम करने को कहता है। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है और हर कोई उसे अपने अपने तरीके से यूज कर रहा है। जैसे कि कोई व्हाट्सएप के लिए यूज करता है और कोई गाने सुनने के लिए यूज करता है, और कोई फिल्में डाउनलोड करके देखता है, तो कोई किसी तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए फोन का इस्तेमाल करता है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब बस इतना है कि फोन को आप अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे काम का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। और ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आपके खिदमत में लेकर आए हैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस कहानी का हर लफ्ज बहुत ही अनमोल है। तो पेश है आपकी खिदमत में ये कहानी। एक शख्स को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आता है जिसमें एक बुढ़िया की आवाज़ होती है, जिसमें कहा जाता है कि बेटे, मेरे 50 रुपये का नोट फला जगह गुम हो गया है। मैंने बहुत ढूंढा मगर न मिला। मजबूरन मुझे निराश होकर घर आ जाना पड़ा। मैं बहुत मजबूर और लाचार हूँ। अगर किसी को वो नोट मिले तो बराए मेहरबानी इस पते पर लाकर दे दे। ऊपर वाला तुम्हारी मुराद पूरी करेगा और मेरी बहुत बहुत दुआएं। आगे बुढ़िया अपना पता बताती है। उस आदमी ने जब ये मैसेज सुना तो इत्तेफाक से वो उसी गांव में था जहां का पता बुढ़िया ने फोन में कहा था। उसने सोचा, बुढ़िया बेचारी, अब उसका नोट कहां मिलने वाला है। लेकिन बुढ़िया की दर्द भरी आवाज सुनकर उसने सोचा कि चलो अपनी ही जेब से 50 रुपये बुढ़िया को दे आता हूँ और कह दूंगा कि आपका नोट मुझे मिल गया था। ये सोचकर वो बुढ़िया के घर पहुँचा और आवाज लगाई। बुढ़िया झोपड़े से बाहर निकली। इसने बुढ़िया की तरफ देखा, सफेद बाल, झुर्रियां भरा चेहरा और कांपते हुए हाथ पैर। कांपती हुई आवाज में बुढ़िया ने पूछा, कौन है, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, आपका जो नोट गुम हो गया था वो मुझे मिला है, मैं उसे आपको देने आया हूँ। और वो शख्स अपनी जेब में हाथ डालकर 50 रुपये का नोट निकालकर बुढ़िया की तरफ बढ़ा देता है। पर ये क्या, नोट को देखते ही बुढ़िया की कांपती हुई आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुढ़िया को रोता देख वो शख्स बुढ़िया से उसके रोने की वजह पूछता है। बुढ़िया कहती है, मैं जानती हूँ बेटे कि ये तुम्हें कोई नोट वोट नहीं मिला है। ये जो तुम मुझे दे रहे हो ये तुम्हारी अपनी कमाई का पैसा है। आदमी पूछता है, ये आपने कैसे जाना कि ये नोट मेरा है और आपका नहीं है? बुढ़िया कहती है, क्योंकि बेटे मेरा कोई नोट कभी गुम ही नहीं हुआ था। मैं तो परेशान हाल हूँ कि अपने पैरों से चलकर थोड़ी दूर भी जा नहीं सकती। जैसे तैसे भूखे प्यासे जिंदगी कट रही थी, पर कुछ महीनों से न जाने लोग कहाँ से आ जाते हैं और तुम्हारा गुम हुआ नोट मिल गया है ये कहकर 50 का नोट दे जाते हैं। अब मुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। वो शख्स भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है और जाहिर है
उसकी आंखें भी रोने लगती है जब वो ये महसूस करता है कि भला हो उस शख्स का जिसने बुढ़िया तक रोजाना मदद पहुंचाने का जो जरिया इस्तेमाल किया है सचमुच काबिल तारीफ है और बेशक ऐसे लोग सैल्यूट के हकदार हैं। देखा दोस्तों, ये थी एक ऐसे नामालूम शख्स की कहानी जिसने अपने फोन का इस्तेमाल एक बहुत ही नेक काम के लिए किया। आप भी अपने फोन का इस्तेमाल कुछ ऐसा काम कर जाइए जिससे दुनिया में किसी ना किसी को मदद मिले या फायदा हो। पर याद रहे दोस्तों, ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक फायदा और दूसरे का नुकसान हो, या एक को खुशी मिले और दूसरे को गम मिले। तो दोस्तों, अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए, जय हिंद। हितेंद्र चक्रवर्ती ने जब हमको ये कहानी सुनाई तो हम भी हैरान हो गए कि सच में किसी का वीडियो भी उनकी ज़िंदगी बदल सकता है और अच्छे ख्यालात, अच्छे विचार उनके दिल में पैदा कर सकता है। तभी से हितेंद्र चक्रवर्ती ने ठान ली कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है और मैं कोई अच्छा काम कर पूरे दुनिया को दिखाऊंगा। वही रानू मंडल जो कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एक प्यार का नगमा है लता मंगेशकर का सॉन्ग गाकर रातों रात बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया स्टार बन गई। रानू का गाना जो भी सुनता था वो यही कहता था कि रानू मंडल को कोई फिल्म में कोई गाने का चांस दे दे। सोशल मीडिया कैसे किसी की ज़िंदगी बदल देता है, इसका जीता जागता सबूत है रानू मंडल। रानू मंडल ने अपने सॉन्ग से सभी यूजर्स को अपना फ़ैन बना दिया। रानू मंडल का सॉन्ग बॉलीवुड के सितारों तक पहुंचा और जिसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्म में गाने का मौका दिया है, लेकिन हिमेश रेशमिया के पहले एक शख्स है जिसने रानू मंडल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला था और वो शख्स रानू मंडल के ज़िंदगी में भगवान से कम नहीं है। रानू मंडल रोज़ाना स्टेशन पर अपने गाने सॉन्ग गाकर लोगों से भीख मांगती थी तो लोग सिर्फ भीख दे देते थे, लेकिन लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। ऐसे में एक शख्स जो जिसका नाम है हितेंद्र चक्रवर्ती, इन्होंने उनका गाना सुना तो उनको लगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो इनका डाला जाए। हितेंद्र चक्रवर्ती पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर रानू मंडल का वीडियो बनाकर अपलोड किया और वीडियो रातों रात वायरल हो गया और रानू मंडल की ज़िंदगी बदल गई। बस क्या था, रानू मंडल को फ़ोन कांटेक्ट करने की कोशिश बहुत से सिंगर और बहुत से सेलिब्रिटी करने लगे और रानू मंडल को आउट ऑफ से भी फ़ोन आने लगे। हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में जब रानू मंडल तेरी मेरी कहानी सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी, उस वक्त हितेंद्र चक्रवर्ती भी रानू मंडल के साथ स्टूडियो में थे और हितेंद्र चक्रवर्ती ने हिमेश रेशमिया को शुक्रिया अदा किया है कि रानू मंडल को चांस हिमेश रेशमिया ने दिया है। इसीलिए हितेंद्र चक्रवर्ती ने दिल से शुक्रिया किया है हिमेश रेशमिया का और हितेंद्र चक्रवर्ती को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। ये किस्मत की बात है। जैसा कि आप जानते हैं, रानू मंडल ने बॉलीवुड में एंट्री कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिमेश रेशमिया के फिल्म में रानू मंडल ने गाना गा दिया है। कई सिंगर और कई एक्टरों से मिलने के बाद भी उन्होंने रानू मंडल को किसी ने चांस नहीं दिया था, हिमेश रेशमिया ने उनको चांस दिया है और इनके इस गाने के रानू मंडल को पैसे मिले हैं 5 से 6 लाख रुपये। और रानू मंडल को जब हिमेश रेशमिया पैसे दे रहे थे, रानू मंडल इनकार कर रही थी, वो पैसे लेने से इनकार कर रही थी, पैसे नहीं चाहिए बोल रही थी, लेकिन हिमेश रेशमिया ने ज़बरदस्ती
रानू मंडल को 5 से 6 लाख रुपए दिए। रानू मंडल स्टेशन पर गाना सुनाकर लोगों से भीख मांगती थी, मगर एक व्यक्ति ने इनका गाना रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वो गाना इतना वायरल हुआ कि पूरे दुनिया में छा गया। और रानू मंडल का गाना जैसे ही वायरल हुआ, उनकी खोई हुई बेटी भी उनको मिल गई। 10 साल के बाद उनकी बेटी उनको मिली। जिस व्यक्ति ने उनका सॉन्ग सोशल मीडिया पर डाला था, वो व्यक्ति उनके ज़िंदगी में भगवान बनकर आए और सभी सोशल मीडिया पर उन्हीं की वजह से रानू मंडल पॉपुलर हो गई। और रानू मंडल का जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, रानू मंडल रातों रात सेलिब्रिटी बन गई और बॉलीवुड के नाम से जाने जाने लगी। और सभी लोग रानू मंडल को मिलने के लिए उनके घर भी पहुँचे। यहाँ तक के सभी बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी, बहुत से न्यूज़ चैनल वाले, पोर्टल चैनल वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर भी गए। और सभी सोशल मीडिया पर रानू 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 छा गई और सभी सिंगिंग के हर मंच पर रानू की तारीफ होने लगी। और रानू मंडल ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि सलमान खान ने भी कहा कि रानू मंडल का सॉन्ग मैं अपने कोई मूवी में डालूंगा। और रानू मंडल लता मंगेशकर के आवाज़ से जाने जाने लगी और सभी सोशल मीडिया पर सिर्फ रानू के वीडियोस ज़्यादातर अपलोड हो रहे हैं। रानू मंडल इतनी वायरल हो गई कि वो कहावत उन पर सूट करने लगी, जो कहते हैं ना, कोयले की खान में हीरा। और इस हुनर को छुपाए रखे थे बहुत से लोग। एक व्यक्ति ने इनका वीडियो डालने की वजह से ये सोशल मीडिया की स्टार बन गई और बॉलीवुड में छा गई। और जब से रानू मंडल स्टार बनी है, सेलिब्रिटी बनी है, तब से सोशल मीडिया पर और बहुत से वीडियो अपलोड हो रहे हैं। कोई भी कहीं के भी गाने वाले वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अपना हुनर, अपनी कला दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई स्टार बनने की सोच रहा है, मगर किस्मत में किसी एक के होता है। कोई बॉलीवुड के नज़दीक तक भी नहीं जाता और कोई बॉलीवुड को सीधा ज़मीन से आसमान पर जाकर छू लेता है, यानी कि किस्मत में भी होना चाहिए। और बॉलीवुड में पहुंचने के लिए बहुत से ऑडिशन देने होते हैं, मगर रानू मंडल को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा बॉलीवुड में पहुंच गई। रानू मंडल ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि रानू मंडल को आउट ऑफ से भी फ़ोन आने लगे उनके गाने, सॉन्ग गाने के लिए। रानू मंडल एक सभी के दिल में छा गई है। और रानू मंडल का सबसे पहला सॉन्ग आया है तेरी मेरी कहानी, जो कि हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। हिमेश रेशमिया ने उनको चांस दिया है और रानू मंडल का सॉन्ग आते ही हिट हो गया। रानू मंडल का सॉन्ग देखने के लिए लोग इतने बेकरार है कि रानू मंडल का जो सॉन्ग उन्होंने रिकॉर्ड किया है वो बार बार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर मिलियनों में व्यूज उस पर है। पहले की ज़िंदगी कैसी थी रानू मंडल की, एक एक रुपया मांगकर, भीख मांगकर खाना खाती थी। अब ये ज़िंदगी देखो, सपने जैसी है। वो कहते हैं ना, सपना पूरा होने को टाइम नहीं लगता, किस्मत में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वो कहते हैं ना, हुनर को छुपाना नहीं चाहिए, वही एक ये मिसाल है। हुनर को रानू मंडल ने नहीं छुपाया, मगर कई और गाया, ये एक मिसाल है। और सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हुनर को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, सभी लोगों को दिखाना चाहिए। हुनर को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। आप हुनर लोगों को बताएंगे, जभी तो लोगों को पता चलेगा आपके अंदर क्या कला है, क्या हुनर है। और वो किसी को कब भा जाए बोल नहीं सकते। रानू मंडल ने कहा है कि उनके ज़िंदगी में ये जो तरक्की मिली है, उसका सबसे बड़ा तोहफा मेरी बेटी है, मेरी खोई हुई बेटी है। मुझे ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा तोहफा मिला है, जो कि मेरी बेटी 10 साल से गुम हो गई थी। और ये सॉन्ग के ज़रिए, ये वायरल वीडियो के ज़रिए मेरी बेटी मुझ तक पहुंच पाई है। दोस्तों, ये थी रानू मंडल की छोटी सी स्टोरी और उनकी थोड़ी मालूमात। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रानू मंडल के और वीडियो लाऊँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को उनकी ज़िंदगी में लड़ने की ताकत मिले और ज़िंदगी से कभी हार ना हो और ज़िंदगी में हमेशा यकीन और भरोसे से जी पाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें।